क्या होता अगर अर्जुन कर्ण पर महादेव का महाभयंकर पाशुपतास्त्र चला देते? क्या कर्ण अर्जुन के पाशुपतास्त्र को रोक सकते थे? क्या कर्ण के पास ऐसा कोई दिव्यास्त्र था जिससे वो अर्जुन के पाशुपतास्त्र को रोक सकते थे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका होश उड़ जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। पौराणिक काल में ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिनके सामने आजकल के परमाणु बम भी तिनके के समान है। ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अस्त्र से किसी भी ग्रह को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन कहा जाता है सारे दिव्यास्त्रों में सबसे शक्तिशाली था देवादिदेव महादेव का पाशुपतास्त्र। लोगों का कहना है द्वापर युग में सिर्फ महारथी अर्जुन के पास ही महादेव का पाशुपतास्त्र था। लेकिन कैसे अर्जुन को मिला था महाशक्तिशाली पाशुपतास्त्र? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण आदि के पास ऐसे प्रलयंकारी अस्त्र शस्त्र थे जिनका सामना करने के लिए अर्जुन देवताओं से दिव्यास्त्र संग्रह करने के लिए निकल पड़ते हैं। पाशुपतास्त्र के लिए अर्जुन महादेव का तप करने लगते हैं। उसी दौरान एक दानव सुअर का रूप धारण करके अर्जुन पर आक्रमण करने जा रहा था। इसे देखकर अर्जुन ने शीघ्रता से उस पर एक बाण चला दिया। तब महादेव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक किरात का रूप धारण करके उस सुअर पर बाण चलाया। इसके बाद किरात रूपी महादेव और अर्जुन में एक बहस छिड़ गई और देखते ही देखते उन दोनों में एक प्रलयंकारी युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने महादेव पर बाणों की वर्षा करना आरम्भ कर दी, लेकिन कुछ ही क्षण में अर्जुन के अक्षय तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों के साथ साथ महादेव ने अर्जुन के गांडीव धनुष को भी निगल लिया। इसके बाद अर्जुन ने तलवार से महादेव पर वार किया, लेकिन पल भर में उस तलवार को भी महादेव ने निगल लिया। जब अर्जुन के सारे शस्त्र खत्म हो गए तब अर्जुन ने मुक्के से महादेव पर आघात करना शुरू कर दिया, लेकिन महादेव के भयानक प्रहार से देखते ही देखते अर्जुन मूर्छित हो गए। इसके बाद महादेव ने अर्जुन को असली रूप में दर्शन देकर उन्हें एक वर मांगने को कहा। तब अर्जुन ने महादेव से कहा, प्रभु आप मुझे महाभयंकर पाशुपतास्त्र प्रदान कीजिए जिसके द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड का संहार करते हैं। आपके इस अस्त्र के सहारे मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कठोर वचन बोलने वाले कर्ण को परास्त करूंगा। इसके बाद महादेव अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। अगर अर्जुन कर्ण पर इस अस्त्र का प्रयोग करते तो क्या होता? अगर अर्जुन कर्ण पर पाशुपतास्त्र चला देते तो कर्ण भी अपने पाशुपतास्त्र से अर्जुन के पाशुपतास्त्र को काट देते। ये बात सुनकर बहुत लोग चौंक जाएंगे। बहुत लोग कहने लगेंगे द्वापर युग में सिर्फ अर्जुन के पास ही पाशुपतास्त्र था, लेकिन ये सच नहीं है। असलियत में महारथी कर्ण के पास भी महादेव का पाशुपतास्त्र था। महाभारत के कर्ण पर्व के 60वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, महारथी कर्ण अपने बाणों से पर्वतों को भी ध्वस्त कर सकता है। देखो उसने किस तरह महाराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि वो कर्ण के भयानक बाणों से बच पाएंगे। अगर कर्ण युधिष्ठिर पर स्थूलकर्ण, इंद्रजाल, पाशुपत जैसे अस्त्र चलाएगा तो युधिष्ठिर कभी भी उन अस्त्रों से बच नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महारथी कर्ण के पास भी पाशुपतास्त्र था, इसलिए कर्ण अपने पाशुपतास्त्र से अर्जुन के पाशुपतास्त्र को काट सकते थे। इसके अलावा कर्ण के पास महादेव का सांभव अस्त्र भी था जो पाशुपत और नारायण अस्त्र से भी शक्तिशाली था। सांभव अस्त्र नदी और सागरों को सुखा सकता है, ये पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। इसके प्रयोग से पल भर में पूरे ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता है। महादेव के सांभव अस्त्र से हर अस्त्र को काटना संभव था। अगर अर्जुन कर्ण पर पाशुपतास्त्र चलाते तो कर्ण अपने सांभव अस्त्र से भी उसे काट सकते थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में कर्ण के पास पाशुपतास्त्र था? कमेंट में अपना राय जरूर देना और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।